आगे चल के ये दो पहाड़ी भाई की जोड़ी धमाल बचाने वाली है। हमारे घर में एक मिठाई का डब्बा था जो खत्म हो गया था। भाभी ऐसे छुप छुप के ना डब्बों को चाटती है। देखो हीट मार रही ना भाई, इतनी गरम गरम, इसकी बॉडी भी इतनी गरम हो गई। देखो गढ़वाली और कुमाऊनी, उनका आपस में रिश्ता नहीं बनता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मुझे ना अपनी पूरी राइड को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह हम कहाँ हैं भैया? विपिन भाई के घर पे, और हमारे साथ है हमारा आशुतोष भाई और हमारे बिक्की भाई, बाकी सब लोग तो सोए हुए हैं। और सुबह के 8 बज गए, मैं सुबह से चाय का प्यासा घूम रहा हूँ यहाँ वहाँ, लेकिन भाई को जब फोन किया तब जाके भाई आ रहा है। क्या बात भैया, पहाड़ के लोग तो बड़ी जल्दी उठ जाते, सुना था हमने। नहीं, हम भी जल्दी उठ गए थे, हम नहा के रेडी हो चुके थे, तो हमने बोला बाकी लोग तो सोए हैं उनके लिए फिर नहाने के बाद चाय लेके आते हैं गर्मा गर्म। तो भाई पहाड़ों में यही होता है, सूरज निकलता है और यहाँ के लोग बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद चाय पानी गाय भैंस। हमारे लौंडों के बिस्तर नहीं छूटे देखो अभी तक, और आंटी ने अपने गाय भैंस का सारा काम कर दिया। गोली भाई, गोली, गुड मॉर्निंग आशुतोष भाई। हमारे साथ पिछले 3-4 दिन से। आशुतोष भाई कैसा लग रहा है हमारे साथ घूम के? मजा आ रहा है ना, एकदम फ्रेंड जोन हो गया ना, फ्रेंड जोन, अलग ही मतलब दोस्त होने की फीलिंग जो ना, मस्त ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम। तो क्या कहते हो, आगे भी ट्रैवल करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और अभी बहुत सारा कुछ, अभी तो हमने मतलब उत्तराखंड भी ढंग से नहीं घूमा है, अभी तो साइड आऊंगा, आप इस साइड आओगे, बिल्कुल घूमते रहेंगे। गोली आंख खोल रहे ले, ये आंख ही नहीं खोल रहे थे भाई। कल रात क्या हुआ ना, गोली सोया था यहाँ पे, गोली मतलब ना यश भाई सोया था यहाँ पे, और हम सब लोग सोए थे वहाँ पे। और रात को ये लड़का आया 2 बजे, इसने भूत की एक कहानी बताई, गोली यहाँ से उठ के वहाँ जाके गोली हो गया। गोली भाई अलग खराब हो गई, गोली मैं वहाँ गया सोने के लिए कमरे में, गोली भाई यहाँ से यहाँ गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। आपका टाइम हो चुका है 9:30, और अब टाइम है भैया विदाई का। आज हमारी उत्तराखंड की पूरी यात्रा यहीं पे फिनिश हो रही है, और मैं आज निकल जाऊंगा यहाँ से भैया अपने नैनीताल कैची धाम के लिए, और अपना भाई आशुतोष आज निकल रहा है। सारे भाई लोग अलग अलग हो जाएंगे, मतलब विदाई का टाइम है तो सब जुदा होने वाले हैं, तो रोने वाला तो सीन शायद होगा नहीं होगा, पता नहीं, लड़कों पर नहीं होता है, तू ट्राई कर रोने का। चलो कोई नहीं भाई, भाई को जल्दी निकलना, तो भाई जा रहा है, हम लोग अभी थोड़ी देर रुके जाएंगे। ओके भाई, दोबारा कुमाऊं आना, कैची धाम आना तो मुझे इन्फॉर्म करना बिल्कुल। तो कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोहित भाई पहले भी मिला था मैं आपसे, पर इतना मजा मतलब पहले नहीं आया था, वो तो चल रहे थे यात्रा पे अलग अलग चल रहे थे, इस बार हम साथ में थे, बहुत सारी जगह हम साथ में घूमे, तब एक्सट्रीम लेवल का मजा आया। तो मतलब कहने का मतलब है आगे चल के ये दो पहाड़ी भाई की जोड़ी धमाल बचाने वाली। चलो ठीक है, बाय बाय, घर में सबको याद कर। तो भैया आशुतोष के जाने के बाद हम भी अब रेडी हो चुके हैं नहा धो के, क्योंकि हमको भी ना यहाँ से हल्द्वानी निकलना है, और आज मौसम बारिश वाला है, पता नहीं यार कैसे सफर होगा अपना, समझ नहीं आ रहा है। और भैया आज इन्हीं खूबसूरत वादियों में ना हमारा सो रहा है, मतलब ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच का टाइम हो चुका है, तो भैया ने आज बनाया हमारे लिए सोया का कुछ सब्जी और रोटी, तो सारे भाई लोग मिलके ना नाश्ता करेंगे, और तब तक आप मौसम के नज़ारे लो। तो भैया जी कैसा लगा ये खूबसूरत सा टाइम लैप्स, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं अब निकलूंगा यहाँ से भैया अपने नैनीताल के लिए, मुझे यहाँ मिले हमारे एक महाराज संभाजी नगर से भाई साहब, और ये अभी अभी यहाँ पे आए, तो इन्होंने बोला रोहित पहाड़े में आपकी वीडियो देख कर ही भैया केदारनाथ आए हैं, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम की रील इस समय मिलियन 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 क्रॉस कर रही, तो भोलेनाथ जी का थैंक यू सो मच कि उन्हें लोग देख रहे हैं और यहाँ तक आ रहे हैं। ये अपना पैक वैक करने लगे दिल्ली के लौंडे घुमक्कड़ भैया, आए थे अपनी बुलेट से इस बार, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में कुछ बातता बातता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बतता ही नहीं है यार, कुछ ऑप्शन ही नहीं बातने का, मैं आजकल पीठ में बैग रख के चलता हूँ, लेकिन पीठ में बैग तुम रख के चल रहे। भैया हमारा निकलने का समय होता, तो भैया बोल रहे हैं पहले नीचे मम्मी और भाभी से मिल के आना है, चलते हैं भैया के घर में, भैया के घर चलते हैं, मम्मी से मिलते हैं, फिर यहाँ से गढ़वाल से निकलते हैं आज कुमाऊं को, गढ़वाल से पूरे कुमाऊं की यात्रा होगी। लेकिन क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गढ़वाली और कुमाऊनी, उनका आपस में रिश्ता नहीं बनता है, मतलब दोस्ती यारी नहीं बनते, लेकिन हमारे देखो पिछले साल मिले और एकदम ऐसे दोस्त बन गए कि भाई वाला बस जन्मों जन्मों का रिश्ता है। पता है वो कौन बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सही बात है, तो हम भैया पूरा दुनिया में घूमते, तो हमें पता भैया ये जो लोग बोलते हैं ना कभी घर से बाहर निकलो, हम लोग पता चलेगा भैया सारे लोग आपके जैसे ही हैं। प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय, अब फिर मिलेंगे अगली बार, टिक्चू, बाय बाय, टिक्चू, ओके नमस्कार, ठीक है भाभी जी, बाय बाय, अब आना आप कैची धाम मंदिर। तो आप अगर केदारनाथ आ रहे हैं तो गुप्त काशी से पहले सैमी गांव नाम से जगह पड़ती है, वहाँ पे न्यू सी पैलेस नाम से ये पूरा गेस्ट हाउस है, और आपका गुप्त काशी या गुप्त काशी से आगे ना आपको बहुत महंगे होटल मिलेंगे, यहाँ पे आपका कम रेट में आपको मिल जाता है, क्योंकि गाँव का एरिया है। पीठे लगाते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण उनकी सुरक्षा करते हैं पूरे सफर में, क्योंकि ये अच्छत पीठे लक्ष्मी नारायण का रूप होते हैं। तो काशी से आपका 1.5 घंटे की राइड करने के बाद पहला स्टॉप लिया हमने, क्योंकि थक गया था भाई बहुत गंदे तरीके से, और मतलब पहला स्टॉप हमारा कहाँ निकला है देखो, हमने रुद्रप्रयाग भी क्रॉस करके हम कर्णप्रयाग पहुंच गए, और ये है आपका कर्णप्रयाग भाई,
यहाँ पे कर्णप्रयाग संगम होता है आपका, एक पिंडर नदी आती है और एक आती है आपकी अलकनंदा जो आती है आपका बद्रीनाथ से, और पिंडर आती है आपका पिंडर घाटी से। सभी बोलते हैं कि ये कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग महाभारत के कर्ण के ऊपर रखा गया था। ऐसा बोलते हैं कि कर्ण यहीं पर आकर रोज सूर्य को अर्घ दिया करते थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उनकी चिता यहीं पर जलाई थी, इसलिए इसका नाम कर्णप्रयाग है। और ये एकलौती मात्र एक जगह है पूरी दुनिया में जहां भगवान कर्ण और कृष्ण का मंदिर एक है, मतलब एक ही मंदिर के अंदर भगवान कर्ण और कृष्ण की मूर्ति रखी। और भाई आज ना पूरे बादल लगे पड़े, मुझे तो लगे बारिश हो जाएगी, बारिश बारिश हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ, थोड़ा गाड़ी को रेस्ट दिया क्योंकि 1.5 घंटे से ना कंटिन्यू राइड कर रहा हूँ, वो भी बिल्कुल किल्ली दाब के। इतनी हीट मार रही ना भाई, इतनी गर्म गर्म, इसकी बॉडी भी इतनी गर्म हो गई, देखो ये भाई साहब एकदम जलन हो रही गाड़ी में, थोड़ा रेस्ट और तब तक मौसम का नजारा लेते। और अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद हम गढ़वाल से कुमाऊं में एंट्री कर जाएंगे, मतलब गैरसैंण चकुटिया के आसपास, फिर अपना रानीखेत, द्वाराहाट, चकुटिया, नैनीताल और कैची धाम, मतलब कि आज अपने घर पहुंचूंगा नहीं बचूंगा पता नहीं, इस मौसम पर डिपेंड करता है भाई जी। रात के बज गए हैं 10 और अब जाके पूरा सफर कटने के बाद ना मैंने आपको दिखाया नहीं कुछ, अब जाके पहुंचाऊं मैं हल्द्वानी। सबसे पहले यहाँ डोसे वाले की दुकान पहुंचाऊं तो पहले कुछ खाना खा लेता हूं, टाइम पे डोसा ही खा लेता हूं हल्का हल्का, ठीक है। पूरा दिन ट्रेवल किया है, पूरा दिन मतलब कि आपका 10:30-11 के आसपास निकला था और रात के 10:30 बज गए हैं। अपना डोसा आ चुका है, फटाफट से हम दोनों भाई डोसा खाते हैं। भाई ने धूल खाई है, क्या बताऊं, बहुत धूल खाई है यार, पूरे दिन भर धूल खाई है हमने आज। शकल देख रहे कैसे, बाल देखो ब्राउन हो चुके हैं पूरे यार। चलो फटाफट से इसे फिनिश करते हैं फिर घर निकलते हैं यार, क्योंकि पापा की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, इसलिए मैं इमरजेंसी में ये पूरा ट्रिप खत्म करके वापस आ रहा हूं। तो भैया जी फाइनली आपका मैं पहुंच गया हूं अपने घर पर, और आज का सफर मेरा शुरू हुआ था आपका केदारनाथ से, और रास्ता मैंने बहुत कम रिकॉर्ड किया क्योंकि आज वही रास्ता जो मैं जाते टाइम रिकॉर्ड किया, आज टाइम रिकॉर्ड करने की इच्छा नहीं हुई। बाकी दिन के टाइम में जितना मैंने सफ़र किया कर्णप्रयाग तक मैंने रिकॉर्ड किया, फिर डायरेक्ट मैंने आपका हल्द्वानी पहुंचा, और अभी आपका फाइनली अपने घर पहुंच चुका हूं। और ऐसे अचानक अपने ट्रिप को ख़त्म करके घर आने के पीछे जो वजह है ना वो है भैया पापा, क्योंकि जब आपका पापा का एक्सीडेंट हुआ था उस समय हम आपका 2 महीने तक मैं पापा के साथ हॉस्पिटल में था, क्योंकि पापा के ना पूरा पैर में जो बोन थी पूरी फ्रैक्चर हो गई थी, जिसकी वजह से पापा का 1.5 महीना तक इलाज चला, सर में चोट थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो 2 महीने से मैं वैसे भी YouTube में काम नहीं कर पा रहा था, फिर जैसे ही मैं आपका 2 महीने बाद आपका निकला केदारनाथ के लिए, तो अभी आपका 2 दिन पहले ही घर से फ़ोन आया कि पापा ने ना पता नहीं क्या हुआ, रात को नींद में उठे, गिरे, चले, पता नहीं क्या किया, उनके पैर की हड्डी ना फिर से उनकी जो बॉल है वो खिसक गई है अपनी जगह से, डिसलोकेट हो गई है, मतलब मिसप्लेस हो गई है, और पापा को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से आपका पापा को अचानक से दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, और मुझे ये उत्तराखंड का पूरा ट्रिप ख़त्म करके वापस आना पड़ा अपने घर पर। मतलब बड़ी मुश्किल से तो मैं घर से निकला था और फिर दोबारा से अपने घर पर आ गया हूँ। चलो पहले आपको पापा से मिलाता हूँ, ठीक है, कि पापा आप कैसे हैं। तो भाई जी ये है देखो अपने पापा, पापा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पापा, अभी घर पे आराम से देखो बैठे हुए हैं। पापा का ये पैर जो लास्ट टाइम हमने पूरा ढंग से रिकवर कर दिया था अच्छे तरीके से, ये पापा की छोटी सी एक गलती की वजह से दोबारा से फिर पूरे पैर पे ना फिर से ये कौन सी लोहे की रॉट लगा दी है पापा के पैर पे, और पापा के पैर को बिल्कुल स्टेबल कर दिया हुआ है, और मम्मी अभी पापा को खाना बना खिला रही है इस तरीके से। पहले तो 2 महीने तक पापा हॉस्पिटल में थे, लेकिन अभी ये जो लोहे की रॉड लगा रखी है ना, ये लोहे की रॉड लगी है, इसमें पापा के पैर को सेंटर में रखा हुआ है ताकि पापा का पैर अब 15 दिन तक बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये है वो वजह जिसकी वजह से मैं केदारनाथ का ट्रिप छोड़ के आया हूँ, दोबारा से पापा ने अपने पैर में दिक्कत कर दी थी। तो ये खाना खा लिया पापा, ठीक लग रहा है? तो भाई देखो एक बार फिर से ये प्रॉब्लम दोबारा हो गई, मतलब इसका इलाज 2 महीना रह के हमने हॉस्पिटल में पापा के इस पैर का इलाज कराया, फिर से वही हाल हो गया। तो भैया हमारे घर में एक मिठाई का डब्बा था जो ख़त्म हो गया था, भाभी ऐसे छुप छुप के ना डब्बों को चाटती है, देखो क्या था इसमें, कुछ नहीं था, मैं रखने जा रही हूं। कैमरे पे रिकॉर्ड हो गया सब, तुम की मिठाई ख़त्म होने के बाद डब्बा चाट रहे थे पूरा। अगर डाला ना वीडियो में देख लेना। धमकी धमकी दे रहे हो मुझे है, बता लाइव जाओगे जब उसमें मैसेज भाई। देखो ये चल रहा है हमारे घर में, अब क्या करें, मिठाई उठाई खत्म हो गई ना घर में, मैं डब्बा और अंदर दे दूं, उसका रसगुल्ले का डब्बा है एक और। हाँ। अरे है, अरे सुन तो ना डब्बा है, ये देखो तो इसे फेंक, अभी तुम इस डब्बे को चाट रहे थे, अभी तुम इस डब्बे को फेंक रहे हो, ऐसी क्या बात है। आज सुबह से ना जब से आंख खुली है भाई तब से ना बारिश कंटिन्यू चल रही, पूरे घर में ना भाई पानी पानी हर जगह से, घर में ना सीलन ही सीलन हो गई, देख रहे हो
जो पुराना वाला घर है उसमें भी सीलन आ रही है, हर जगह सीलन सीलन। तो भैया जी आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और पापा की तबीयत कब ठीक होगी पता नहीं, मतलब टाइम लगेगा लंबा वाला। तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, बहुत जल्दी हमारी राइड शुरू होगी। अब वो सब कुछ डिपेंड करता है पापा की तबीयत के ऊपर, बस पापा की तबीयत ठीक हो जाए फिर हम बढ़िया से राइड करेंगे।